दुखों के कारण और उनके निवारण। संत फ्रांसिस का कथन है, दुखी रहना शैतान का काम है। इस कथन का तात्पर्य इसके सिवाय और क्या हो सकता है कि दुखी रहना मानवीय प्रवृत्ति नहीं है, यह एक निकृष्ट प्रवृत्ति है जो मनुष्य को शोभा नहीं देती। तथापि अधिकतर लोग दुखी ही दिखलाई पड़ते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब दुखी रहना मानवीय प्रवृत्ति नहीं है, तब आखिर मनुष्य दुखी क्यों रहते हैं? क्या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध दुखी रहने को विवश करती है? इस विषय में एक नहीं, अनेक ऐसे प्रश्न और शंकाएं उठ सकती हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि कोई बाह्य कारण अथवा अदृश्य शक्ति मनुष्य को दुखी नहीं रखती है। मनुष्य अपने स्वयं के अज्ञान और दुर्बलता के कारण अकारण ही दुखी रहता है। वैसे न सुख का और न दुख का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। ये मनुष्य की अपनी निर्बल अनुभूतियाँ ही हैं जो सुख दुख के रूप में आभासित होती हैं। सुख दुख का मन की स्थिति पर निर्भर होने का प्रमाण यह है कि बहुत बार मन की स्थिति के अनुसार मनुष्य एक ही बात में विपरीत अनुभूतियाँ पाया करता है। जिस समय मन स्वस्थ और शांत होता है, उस समय कोई अप्रियता भी विक्षोभ उत्पन्न नहीं करने पाती, और जब मन की स्थिति प्रतिकूल होती है तो प्रिय बातें भी अच्छी नहीं लगती। जैसे जब कोई पिता विनोदपूर्ण मन स्थिति में होता है तो बच्चों की शरारत में भी उसे आनंद आता है, किंतु जब वह मलिन मनोस्थिति में होता है तो बच्चों की उचित प्रसन्नता भी उसे क्षुभित और दुखी कर देती है। हानि लाभ की सूचनाओं में भी इसी तरह मन स्थिति के अनुसार सुख दुख होता रहता है। दुख सुख का जन्म बाहरी पदार्थों अथवा परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, उसका जन्म मन से मन में होता है। इसीलिए उन्हें मनुष्य का मानस पुत्र कहा गया है। हमारे हृदय में सदा सुख का ही जन्म होता रहे, दुख की स्थिति में भी हम सुख का अनुभव करते रहें, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी मनोभूमि को अनुकूल बनाएं। मन की अनुकूलता का उपाय है संतुलन। संतुलन का आशय है जल्दी जल्दी आंदोलित न होना। उन्नति, लाभ और सफलता के अवसरों पर खुशी से नाच उठना, हर्षातिरेक में आ जाना और गतिरोध, हानि अथवा असफलता के क्षणों में निराश, ह्रास अथवा शोकातिरेक से रो उठना वास्तव में मानसिक असंतुलन के लक्षण हैं। अभिलाषाओं के प्रति इतना आतुर होना कि उनकी अतिशीघ्र पूर्ति न होने पर उद्विग्नता अनुभव होने लगे, चिंतन की ही भूल है। इच्छित परिस्थितियों का मिलन इतना सुगम नहीं है कि चाहने भर से अनुकूलताएं उत्पन्न होती चली जाएं। अनेक कारणों के मिलने और अभिष्ट साधन जुटने से ही सफलता मिलती है, उसमें भी प्रयत्न, साधनों और परिस्थितियों का समावेश होता है। अभिलाषाएं गढ़ते समय यह ध्यान नहीं रखा जाता कि साधनों और आकांक्षाओं में तालमेल है या नहीं। यदि है तो उसके लिए कितने श्रम साधन जुटाने पड़ेंगे, कितने अवरोधों से संघर्ष करना होगा और कितनी प्रतीक्षा के उपरांत चाहना की पूर्ति होगी। इस हाथ चाहा और उस हाथ पाया की जादुई कल्पना करने वाले अक्सर अपने को दुखी और दुर्भाग्यग्रस्त कहते रहते हैं। अमुक सफलताओं के साथ सुखानुभूति का संबंध जोड़ लेना आकाश कुसुम तोड़ने के समान है। छोटी से छोटी सफलता के लिए भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि बड़े से बड़े प्रयत्न एवं साधन होने पर भी वह उपलब्धि निश्चित रूप से मिल ही जाएगी। अनेक ऐसे छोटे बड़े कारण आते रहते हैं जो सारी योजना को ही उलट दें और सोची हुई व्यवस्था से सर्वथा विपरीत परिस्थितियां सामने लाकर खड़ी कर दें। मनुष्य अपने प्रयत्नों तक ही सीमित है, परिस्थितियों पर उसका कोई काबू नहीं। सफलता में अकेला प्रयत्न ही
काफ़ी नहीं, परिस्थितियों का भी उसमें बड़ा भाग रहता है। किसान भरपूर परिश्रम करे तो भी पाला मार जाने, टिड्डी आ जाने, अतिवृष्टि होने जैसे दैवी प्रकोप फसल को नष्ट करके पुरुषार्थ का प्रतिफल नष्ट कर सकते हैं। ऐसी ही बाधाएं या विपरीतताएं कहीं भी कभी भी खड़ी हो सकती हैं, और सुख के लिए जो तथ्य निश्चित किया था उसे मटियामेट कर सकती हैं। जिन्होंने प्रयत्नपूर्वक मन की स्थिरता, एकाग्रता और निरोध का अभ्यास कर लिया है, वे हर स्थिति और हर परिस्थितियों में संतुलित रहकर सुख शांति के अधिकारी बनते हैं। मानसिक संतुलन सुख संतोष का बहुत बड़ा आधार है, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। अनुरूपता भी सुख शांति का एक महत्वपूर्ण आधार है। अनुरूपता से यहाँ अभिप्राय अंतर और बाहर की अनुरूपता से है, जिसका अंतर पवित्र और आदर्शपूर्ण है किंतु उसके कार्य उसके अनुरूप नहीं हैं, तब भी सुख शांति का सुलभ होना संभव नहीं होगा। बहुत से लोग कपटपूर्ण स्थिति वाले भी होते हैं, वे ऊपर से तो बड़े सज्जन और सत्पुरुष दिखलाई देने का प्रयत्न करते रहते हैं, उसी के अनुरूप बोलते और उसी के अनुरूप आचरण भी प्रदर्शित करते हैं, पर यह सब उनका होता दिखावा ही है। ऐसे छली और कपटी लोग स्वप्न में भी कभी सुख शांति नहीं पा सकते। वे ऊपर से कितनी ही शांति संतोष और स्थिरता का अभिनय करने में क्यों ना सफल हो जाएं, पर अंदर ही अंदर अशांत और व्यग्र बने रहते हैं। उनकी अंतरात्मा, उनकी द्वैरूपता पर उन्हें स्पष्ट अनुभव होता है कि वे जो कुछ दिखला और कर रहे हैं वह सब मिथ्या है। एक दिन इसका परिणाम उन्हें भोगना ही होगा। उनकी अंतरात्मा उन्हें क्षमा नहीं करेगी, और तब समय आएगा तो यही आत्मा जो मनुष्य का मित्र कही गई है, शत्रु बनकर उनके सामने खड़ी हो जाएगी। अंतर बाहर का यह विरोधाभास भयंकर यातना भरी स्थिति है। इसमें फंसे अबुद्धिमान लोग एक क्षण को भी शांति के लिए तरसते रहते हैं। इस द्विविधि जीवन से उसी तरह बचते रहना चाहिए जिस प्रकार सावधान लोग दुमुहे सांप से बचते हैं। दुख के कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं, उनमें से एक संवेदनशीलता भी है। यूं तो सामान्य रूप में संवेदनशीलता एक गुण है, किंतु जब यह औचित्य की सीमा से परे निकल जाती है तब दुर्गुण बन जाती है, जिसका परिणाम दुख ही होता है। अति संवेदनशील व्यक्ति का हृदय भावुकता के कारण बड़ा निर्बल हो जाता है। वह यथार्थ दुख तो दूर, काल्पनिक दुखों से भी व्यग्र एवं व्याकुल होता रहता है। इस क्षण क्षण बदलते रहने वाले संसार का एक साधारण सा थपेड़ा ही उन्हें व्याकुल कर देने के लिए बहुत होता है। क्षण क्षण परिवर्तित और बनने बिगड़ने वाले पदार्थ, परिस्थितियों और संयोगों के प्रभाव से सुरक्षित रह सकना उनके वश की बात नहीं होती। उन्हें संसार की एक नगण्य सी परिस्थिति झकझोर कर रख देती है और वे क्षुब्ध होकर दुख अनुभव करने लगते हैं। इस प्रकार के संवेदनशील व्यक्ति भावुकता के कारण अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया बनाते और उसमें ही विचरण करते रहते हैं। विशेषता यह होती है कि उनकी यह काल्पनिक दुनिया इस यथार्थ संसार से सर्वथा भिन्न होती है। होना भी चाहिए, यदि उनका संसार इस संसार से भिन्न ना हो तो उसके बनाने का प्रयोजन ही क्या रह जाता है। इस भिन्नता के कारण इस यथार्थ संसार और उनकी काल्पनिक दुनिया में टकराव पैदा होता रहता है। कमजोर एवं निराधार होने से उनकी दुनिया टूटती है, जिसके शोक में वे दुखी और व्यग्र होते रहते हैं। यदि मनुष्य भावुकता का परित्याग कर यथार्थ के कठोर धरातल पर ही रहे, उसी के अनुसार व्यवहार करे, हर तरह की आने वाली परिस्थिति को संसार का स्वाभाविक क्रम समझकर खुशी खुशी स्वागत करने को तत्पर रहे,
तो वह बहुत कुछ दुख के आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सकता है। इसके लिए मनुष्य को सामंजस्य का गुण विकसित करना होता है। यदि कोई व्यक्ति अंतर से आदर्शवादी है और उसका बाह्य व्यवहार भी उसी के अनुरूप है, तथापि सामंजस्य गुण का अभाव है, तब भी दूसरों के गलत काम देख सुनकर अथवा अनुभव करके अशांत होता रहेगा। असामंजस्य बुद्धि वाले व्यक्तियों का यह एक पूर्वाग्रह हो जाता है कि जैसा मैं आदर्शवादी हूँ वैसा ही हर आदमी बने, और जब वे इसके विरुद्ध देखते हैं तो अशांत और व्यग्र होते हैं। इस अच्छाई बुराई से भरे संसार में सबका एक सा होना संभव नहीं। आवश्यकता भर विपथगामियों को समझाकर सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न तो करना चाहिए, किंतु इस विषय में इस सीमा तक भावुक न हो जाएं कि उसके दुर्भाग्य में अपना भाग्य बना लें। इस प्रकार जीवन में यदि स्थायी सुख शांति की आकांक्षा है तो संतुलन, समरूपता और सामंजस्य का अभ्यास करिए। इनका अवलंबन किए बिना अभीष्ट फल की आशा नहीं की जा सकती। दुख का एक स्थूल सा कारण है वांछा का विरोध। जो हम चाहते हैं उसको न पा सकने पर जो शोभ अथवा निराशा होती है वही दुख रूप में अनुभव होती है। मनुष्य को समझना चाहिए कि किसी की भी सभी वांछाएं कभी पूरी नहीं होती। वांछाएं वे ही पूरी होती हैं जो उचित और उपयुक्त होती हैं, किंतु अज्ञानी व्यक्ति इसका विचार न कर अपनी वांछाएं बढ़ाते चले जाते हैं और चाहते हैं कि वे सब बिना विरोध के पूरी होती रहें। ऐसे आदमी यह नहीं सोच पाते कि इस संसार में और दूसरे लोग भी हैं, उनकी भी अपनी कुछ वांछाएं होती हैं जिनकी पूर्ति का अधिकार उन्हें भी है। यदि किसी एक की ही सारी वांछाएं पूरी होती रहें तो क्या दूसरे लोग अपनी वांछा पूर्ति के अधिकार से वंचित ना रह जाएंगे? किसी एक की सारी वांछाएं पूरी होती रहें यह संभव नहीं, किंतु स्वार्थी मनुष्य जिनको केवल अपनेपन का ही ध्यान रहता है इस न्याय पर ध्यान नहीं दे पाते। अपना स्वार्थ, अपना हित और अपना लाभ ही दिखता रहता है। दूसरों के हित, अहित, हानि, लाभ से जैसे कोई मतलब ही नहीं रखते। ऐसे संकीर्ण मना व्यक्तियों का दुखी रहना स्वाभाविक ही है। वे स्वार्थपूर्ण वांछाएं करते ही रहेंगे, वे असफल और अपूर्ण होती रहेंगी। उनके मन में क्षोभ और निराशा उत्पन्न होगी जिसके फलस्वरूप वे दुख ही अनुभव करते रहेंगे। निश्चय ही ऐसे लोगों के दुख का कारण उनकी हीन और स्वार्थपूर्ण भावनाएं होती हैं। दुख दुर्भावनाओं के कारण होता है। दुर्भावना रखने वाला शैतान ही तो माना गया है। इसलिए महात्मा फ्रांसिस ने कहा है, दुखी रहना शैतान का काम है। दुख और सुख को मनुष्य उपार्जित तो स्वयं करता है पर उन्हें अकेला हजम नहीं कर सकता। मिल बांट कर खाने से ही वे पचते और हल्के होते हैं। अकेले इनका भार वहन कर सकना कठिन है। एकाकी रोते कलपते रहने वाला मनुष्य शमशान में रहने वाले प्रेत पिशाच की तरह उद्विग्न रहता है। एकाकीपन उस दुख से भी भारी पड़ता है जिसने कसक और कराह की स्थिति उत्पन्न की। दुख कष्टकर अवश्य होते हैं पर ये सब मधुर भी लगते हैं। जब इस बहाने मित्रों की सहानुभूति और संवेदना उस दुखिया पर बरसती है, आपत्ति के समय आशा बंधाने वाले और यथासंभव सहायता यत्किंचित भार हल्का करने के लिए प्रयत्नशील मित्र दैवी वरदान की तरह लगते हैं। यूं मनुष्य अपने आप भी अपने को लड़खड़ा कर गिरने से अपनी हिम्मत के बलबूते पर बचाए रह सकते हैं, किंतु यदि कोई सच्ची सहानुभूति प्रकट करने वाला, आशा और विश्वास दिलाने वाला मित्र मिल जाए तो दुख का बोझ अनायास ही आधा रह जाता है। इस प्रकार के साथी केवल उन्हें ही मिलते हैं जिनने स्वयं आगे बढ़कर समय समय पर दूसरों के दुख बटाए हैं।
जो कष्टों को बटाने वाली करुणा से संपन्न हैं, उनके कष्टों को बटाने वाले सहज ही उत्पन्न होते हैं और विपत्ति का बोझ हल्का करने में कंधा लगाते हैं। हम सभी में एक ही आत्मा समाई हुई है। एक धागे में पिरोए हुए मनकों की माला की तरह ही हम सब परस्पर जुड़े और गुथे हुए हैं। सुख को अकेले हजम करने का प्रयत्न करने वाला अंतरात्मा की धिक्कार का, परमात्मा के कोप का और विश्वात्मा के प्रतिशोध का भाजन बनता है। निष्ठुरता, कृपणता और संकीर्ण स्वार्थपरता को सरकारी कानून भले ही दंडनीय न मानता हो, पर ईश्वर के कानून ऐसे व्यक्ति को पतित ही घोषित करते रहेंगे। जिसने आप ही कमाया और आप ही खाया, मिल बांट कर खाने की नीति जिसे सुहाती नहीं, उदारता के लिए जिनकी भावना उमंगती नहीं, उसे नर पशु से अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोग उस आनंद से सर्वथा वंचित रहते हैं जो मानव जीवन का उद्देश्य समझने वाले और उदार आचरण करने वालों को सहज ही मिलता रहता है। सुख को बांटकर खाना घाटे का काम दिखते हुए भी वस्तुतः अतिशय लाभदायक ही सिद्ध होता है। सुख और दुख की अनुभूतियों का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर जॉयस ने लिखा है, यह अनुभूतियाँ किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या परिस्थिति विशेष के साथ बंधी हुई नहीं है। एक को जिसमें सुख मिलता है, दूसरे को उसके रहते हुए भी दुख ग्रसित देखा गया है। आज जो वस्तु स्थिति बहुत अच्छी लगती है, कल वही बुरी लग सकती है। मान्यताओं के बदलने के कुछ कारण भी हो सकते हैं, पर तथ्य यही है कि जहां सुख या दुख को जितना आरोपित किया जाएगा, वहां उसको उसी स्तर की अनुभूति होने लगेगी। अभिष्ट आकांक्षाओं की पूर्ति में सुख मिलता है और वे आकांक्षाएं मनुष्य की स्वनिर्मित होती हैं। अस्तु, सुख या दुख भी उसी की स्वनिर्मित है। कुछ लोग संघर्ष की स्थिति आने पर बेतरह घबराते हैं, जबकि कुछ लोग उलझने की मजेदारी का आनंद लूटने के लिए कुछ ना कुछ बखेड़े खड़े करते रहते हैं। इसके बिना उन्हें चैन ही नहीं पड़ता और नीरसता लगती है। संघर्ष घबराने वाला है या शूरता पर धार चढ़ाने वाला, इसकी सीधी व्याख्या नहीं हो सकती। यह सब व्यक्तिगत मान्यताओं पर निर्भर है। कुछ लोग निठल्ले बैठे रहने में सुख अनुभव करते हैं, जबकि दूसरों को एक क्षण भी बेकारी में गुजारना असह्य होता है। ठलुआ आदमी श्रमशील लोगों को दुर्भाग्यग्रस्त मानते हैं और श्रमनिष्ठ व्यक्ति इन आलसियों को दयनीय मानते हैं। दोनों में से कौन सही है, यह पूछने पर दोनों ही अपनी अपनी मान्यता का समर्थन करेंगे। सुख दुख में अनिवार्य तथ्यों के कुछ थोड़े से तथ्यों को छोड़कर शेष सब कुछ काल्पनिक होता है। मनुष्य अपनी मान्यताओं और कल्पनाओं को विकृत बनाकर दुख दारिद्र के, दुर्भाग्य असंतोष के विक्षोभ में जलता रहता है। मानव जीवन में अभाव जन्य दुख भी कम नहीं होते। अभाव का अर्थ असंपन्नता नहीं है। अभाव वास्तव में उस कमी को कहते हैं जिसके कारण मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। फिर कहना ना होगा कि मनुष्य की मूल अथवा अनिवार्य आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं। उनकी पूर्ति में प्रायः बाधा नहीं ही पड़ती है। बाधा अधिकतर इतर आवश्यकताओं में पड़ती है जो कृत्रिम अथवा बढ़ी चढ़ी आवश्यकताएं होती हैं। यदि मनुष्य इच्छाओं की तरह अपनी आवश्यकताओं को भी अपनी स्थिति तक ही सीमित रखे, तो कोई कारण नहीं कि उसे अभाव के दुख का शिकार बनना पड़े। अभाव जन्य दुखों से बचने का सरल सा उपाय यही है कि कृत्रिम आवश्यकताओं को त्याग देना चाहिए और बढ़ी चढ़ी आवश्यकताओं में कमी कर उन्हें अपनी स्थिति के अनुरूप बना लेना चाहिए। आमतौर से लोग अपने से विपरीत अथवा ऊंची स्थिति वालों को सुखी मानते हैं। अशिक्षित शिक्षितों को, ग्रामीण शहरियों को, किसान बाबुओं को, निर्धन धनियों को सुखी मानते हैं। पर यदि
उन लोगों से पूछा जाए तो बतावेंगे कि शिक्षित, शहरी, बाबू या धनी होने के कारण उन्हें जिन चिंताओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें देखते हुए अशिक्षित, ग्रामीण, कृषक एवं निर्धन जीवन में कहीं अधिक सुविधा सरलता है। अविवाहित विवाहितों को सुखी मानते हैं और विवाहितों से पूछा जाए तो वे कहेंगे कि अविवाहित हमसे कहीं अधिक सुखी, संतुष्ट रहते होंगे। अपने अभावों को ही देखना और दूसरों के सुखों के साथ उनकी तुलना करना दुखी रहने का सस्ता नुस्खा है। इसके विपरीत अपने को जो उपलब्ध है उसका सदुपयोग करते रहा जाए और उसे आवश्यक सुख के लिए पर्याप्त माना जाए तो चेहरे पर संतोष भरी प्रसन्नता झलकती रहेगी। ऐसे लोग जो संसार नाटक के पट परिवर्तन से जल्दी प्रभावित नहीं होते, वे दुखों के आक्रमण से बचे रहते हैं। कामनाओं की पूर्ति के समय उल्लसित हो उठने और अपूर्ति के समय मलिन मन हो जाने का यदि अपना स्वभाव बदला जा सके तो दुखों के बहुत से कारण आपसे आप नष्ट हो जाएं। यदि संसार में उदार, गंभीर और यथार्थ जीवन लेकर चला जा सके और आसक्ति के साथ अत्यधिक संवेदना को संक्षेप किया जा सके तो हमारी मनोभूमि निश्चय ही इतनी दृढ़ और परिपक्व हो सकती है कि उस पर सुख दुख की कोई प्रतिक्रिया ही ना हो। ओम शांति।